नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। पीएम मोदी बोले, लोकसभा से बड़ी होती है जनसभा। संसद में गतिरोध के लिए कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि 400 सांसदों की इच्छा के विरुद्ध 40 सांसद देश के विकास को अवरुद्ध करने की साजिश रच रहे हैं, जो लोकतंत्र का अपमान है। यहां एक रैली में अपने सख्त लहजे वाले संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपनी भावना जनता के साथ साझा करने का निर्णय किया है, क्योंकि जनसभा निचले सदन लोकसभा से बड़ी होती है और इतने बड़े जनादेश के बावजूद लोकसभा में उनकी आवाज दबाई जा रही है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यहां रैली में कहा कि देश में लोकतंत्र के बारे में जागरूकता फैलाने और जनता को अपने जन प्रतिनिधियों पर संसद में कामकाज करने और सवाल उठाने, चर्चा में हिस्सा लेने तथा सदनों में कार्रवाई चलाने के लिए दबाव बनाने की जरूरत है। पाक से बोले राजनाथ, भारत नहीं दागेगा पहले गोली। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रवत संबंध चाहता है, इसीलिए वो पाकिस्तान की ओर पहले गोली नहीं दागेगा। गृहमंत्री ने सीमा वार्ता के लिए यहां आए पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल से ये बात कही। सिंह ने कहा कि भारत अपने सभी पड़ोसी देशों से मित्रवत संबंध चाहता है। गृहमंत्री ने पाकिस्तान रेंजर्स के प्रतिनिधि मंडल से कहा कि ये बात सुनिश्चित की जानी चाहिए कि पाकिस्तान की ओर से भारत में कोई घुसपैठ न हो। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को आतंकवाद के खतरे के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। सीमा प्रहरियों को रामदेव ने कराया योगाभ्यास। योग गुरु स्वामी रामदेव ने सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों व जवानों को योगाभ्यास करवाया। रामदेव 3 दिन तक जैसलमेर में रहकर सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों, जवानों और आम जनों को योग सिखाएंगे। योग गुरु रामदेव सीमा सुरक्षा बल के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में यहां आए हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल जैसलमेर के उप महानिरीक्षक अमित लोढ़ा ने बताया कि बाबा रामदेव ने सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक बल के अधिकारियों व जवानों को योग सिखाया। मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में 12 दोषी करार। मुंबई उपनगरीय ट्रेनों में 188 लोगों की जान लेने वाले 7 आरडीएक्स बम विस्फोटों के 9 साल बाद यहां की एक मकोका अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में 12 लोगों को दोषी ठहराया। फैसला सुनाते हुए मकोका न्यायाधीश यतिन डी शिंदे ने मामले में 12 आरोपियों को दोषी ठहराया और एक अन्य आरोपी अब्दुल वाहिद शेख को बरी कर दिया। हालांकि आजम चीमा समेत 14 अन्य मामले में अभी भी फरार हैं। सजा की मात्रा पर सोमवार को सुनवाई शुरू होने की संभावना है। मुंबई की उपनगरीय ट्रेनों के प्रथम श्रेणी के डिब्बों में 11 जुलाई 2006 को 7 आरडीएक्स बम फटे थे, जिनमें 188 लोग मारे गए थे और 829 अन्य घायल हुए थे। विस्फोट खार रोड सांता क्रूज, बांद्रा खार रोड, जोगेश्वरी माहिम जंक्शन, मीरा रोड भायंदर, माटुंगा माहिम जंक्शन और बोरीवली के बीच 10 मिनट के भीतर हुए थे। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।